वीडियो में मैं आपको करवाऊँगा क्लास 7th मैथ चैप्टर 1st एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो सबके साथ शेयर कर देना, क्योंकि सारी वीडियोज़ एजुकेशनल वाली होती है। ओके, चलो अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। यानी कि एक क्विज के अंदर जो करेक्ट आंसर के लिए हम दे जा रहे हैं प्लस के अंदर, यानी पॉजिटिव साइड में दे जा रहे हैं मार्क्स, और नेगेटिव अगर जैसे कि उनके जो आंसर गलत है ना, आंसर गलत जा रहा है, तो फिर उसके लिए हमें दे रहे हैं नेगेटिव, यानी कि माइनस में दे रहे हैं मार्क्स। ओके, अब यहाँ पे हमें कहते हैं इफ़ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसेस राउंड। अब यहाँ पे जो जैक एक बच्चे बता रहे हैं, मतलब एक बच्चा है ना, जैसे कि जैक है, अगर वो सक्सेसिव मतलब लगातार, ओके, अगर सक्सेसिव राउंड के अंदर उसके मार्क्स कितने आते हैं, यहाँ भी दे रखे हैं 25 माइनस 5 माइनस 10 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एंड, उसका टोटल एंड क्या होगा। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक बच्चे के मार्क्स है 2 4 3 5 6, अब मैं बताऊँगी, मतलब आपसे बोलूँगी कि इन सबको टोटल कर दो। टोटल करने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल करने के लिए तो हम प्लस ही कर लेंगे, है ना। तो वैसे इस क्वेश्चन में हमें प्लस करना है। चलो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। टोटल मार्क्स एट दी एंड, देखो जो टोटल मार्क्स थे हमारे एट के, है ना, देखो फ्रेंड्स जो टोटल मार्क्स थे हमारे एंड के वो सारे ये रहे 25 प्लस, अब देखो प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, अब ये, अब हमें जितने भी ये सारे प्लस वाले हैं ना, उनको ऐड कर देना, जैसे कि 25 है, फिर उसके बाद है हमारा 15, है ना, फिर उसके बाद हमारा है 10, तो हमने इन सब को ऐड कर दिया, हमारा आंसर क्या आएगा 15। ओके, 50 आ जाएगा हमारा आंसर। अब उसके बाद 50 आंसर आ गया। अब देखो, मैंने यहाँ पे जिन इतने ब्रैकेट थे ना, सारे ब्रैकेट ओपन कर दिए, 50 आंसर यहाँ कर दिया, और जो हमारा 15 था, 15 ऐसे आया 10, और 10 सॉरी 10 में से नहीं फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, हमने कहते हैं 10 और 5 को प्लस कर दिया, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो हमारे यहाँ से 15 आ गया। अब हमें 50 में से 15 माइनस करने हैं, तो अब देखो ऑब्वियसली आंसर हमारा 50 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35। तो मैंने यहाँ स्टेटमेंट में आंसर लिखा है, जैक्स टोटल स्कोर इन द 5 सक्सेसिव राउंड आर 35। ओके, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना। जल्दी मिलूंगी मैं आपको इसके क्वेश्चन नंबर 3 के समझाने वाले के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।